दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज आने वाला है 3.0 का, जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसमें जो चार मेजर अपडेट किए गए हैं, यानी कि जो चार नए फीचर्स उसके अंदर जोड़े गए हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारा पॉइंट थे भी मल्टी टैक्स रेट का सेटअप था, उसके अंदर मल्टी जीएसटी इन सिंगल कंपनी में था, और उसी तरीके से हमारा बिजनेस की जो परचेज है जीएसटी 2A की पोर्टल वर्सेज बुक्स के साथ रिकन्सलेशन करने की, और एडवांस फिल्टर, यानी कि इन चार फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी ये चार नए फीचर है जो टेली प्राइम का जो आने वाला रिलीज है 3.0 उसमें ऐड किए गए। हालांकि और भी ऐड फीचर्स किए जा रहे हैं, वो हमें जब फाइनली ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भी जो हमारा मल्टीपल जीएसटी नंबर है उसको हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज 3.0 आएगा उसमें इसका यूज किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो फीचर्स है ये अकाउंटेंट लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक ऐसा होता था भी मान लीजिए हमारी ऐसी कोई कंपनी है जिसका हमारा मेन हेड ऑफिस के अलावा, यानी कि मेन ब्रांच के अलावा हमारी अदर ब्रांचें अदर स्टेट में भी थी, तो जिसके लिए हमें टेली सॉफ्टवेयर में या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सबके लिए हमें अलग अलग उसकी कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी, सभी के अलग से लेजर, अलग से उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती थी, और बाद में उनको कंसोलिडेटेड करके उनका सारा डाटा एनालिसिस किया जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला काम था एक अकाउंटेंट के लिए। लेकिन अब ये जो 3.0 का जो नया रिलीज आ रहा है उसके अंदर अगर आपकी चाहे जितनी मर्जी ब्रांच है अदर स्टेट के अंदर, तो आप सभी की उनकी जो अकाउंटिंग है वो पर्टिकुलर हम सिंगल कंपनी क्रिएट करके ही उसके अंदर मेंटेन कर लेंगे, यानी कि अब हमें स्टेट वाइज अलग अलग कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फीचर्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो हम आपको बताने वाले हैं भी किस तरीके से हमें ब्रांच की रजिस्ट्रेशन करने है, किस प्रकार से उनका जीएसटी नंबर हमें लिखना पड़ता है, कौन कौन से फीचर्स हमें इनेबल या फिर डिसेबल करने पड़ते हैं। तो अगर हम परचेज वाउचर की एंट्री या फिर सेल वाउचर की अगर हम एंट्री करेंगे तो ब्रांच वाइज हम उसको किस प्रकार से क्लियर करेंगे, तो सारा वीडियो आपके सामने प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप सारी कहानी अच्छी तरीके से समझ में पाओगे, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ा सा जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो टैली हमारा चल रहा है उसे थोड़ा सा हटके है, तो इसलिए हमें इस वीडियो को थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेली प्राइम से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड नए नए वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर में हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, लेकिन कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद जो हमारा काम आएगा वो आएगा जितनी भी हमारी ब्रांचें हैं उन सभी ब्रांचों का हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, और F11 करते सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी ब्रांचों के जो एड्रेस है उनकी जो डिटेल है वो हम एक बार मेंशन करेंगे, उसके बाद हमारा काम रजिस्ट्रेशन का रहेगा। तो इसके लिए इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, और यस करने के बाद पहला आपका आ जाएगा प्राइमरी का, यानी कि जो आपके पास में ऑलरेडी पहले जो आपकी हेड ऑफिस की ब्रांच है उसको प्राइमरी रखा गया है। उसके बाद में जो आपका इस कंपनी का एड्रेस है उसकी डिटेल यहाँ पर सारी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो आपकी सेकेंड ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, जितनी भी ब्रांच है उन सभी ब्रांच का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने कह दिया भाई हमारी एक दिल्ली की भी ब्रांच है, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया दिल्ली की ब्रांच। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो भी हमारा एड्रेस रहेगा कंपनी का नाम वगैरह का वो यहाँ पर हम फिलअप करते जाएंगे, ये दिल्ली के अंदर कौन सी जगह रजिस्टर्ड है। और इसी तरीके से हमारा तीसरा है बिहार का, तो इसी तरीके से हम इसका सब कुछ एड्रेस वगैरह मेंशन यहाँ पर कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो थी हमारी जो भी जितनी भी ब्रांचें थी उन सभी का एड्रेस मेंशन करने के लिए। अब हमें उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो वापस F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करते हमारे सामने जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में जीएसटी को इनेबल करते हैं उस ऑप्शन को हमें यस करना है, सिंपल यस प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने यस प्रेस किया तो आप देखोगे हमारे पास ये जीएसटी की डिटेल आ गई, और इस जीएसटी डिटेल के अंदर जो हमारा बाय डिफॉल्ट स्टेट हमने सेलेक्ट किया हुआ राजस्थान, जब हमने कंपनी क्रिएट की थी कंपनी के दौरान हमने राजस्थान सेलेक्ट किया था, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका राजस्थान रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले तो हमें जो हमारी मेन ब्रांच है उसका रजिस्ट्रेशन की डिटेल हमें यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, और उसके बाद में जो हमारा
कंपनी का जो जीएसटी नंबर है, राजस्थान का जो जीएसटी नंबर है उसको हमें यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद में जो आपकी इनवॉइस और ईवी बिल से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज है वो अभी तक जैसा हम सेटिंग कर रहे थे टेली में वैसा ही रहने वाला है, उसको यस करेंगे। आपका एप्लीकेबल जब से है उसकी डेट आपको मेंशन करनी है, और उसके बाद इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस कहाँ से करना, मान लीजिए आपका राजस्थान तो सिलेक्ट कर दिया लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कौन सी जगह पे है राजस्थान में, मान लीजिए हमने कह दिया ये हमारा बीकानेर में है तो हमने बीकानेर सेलेक्ट किया, और इसका जो हमारी गुड्स जो डिस्पैच डिटेल है वो हमारी प्राइमरी रहेगी, एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में अब हमारी और ब्रांच भी है उसका भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो वापस सेम हम इसी पे वापस प्रेस करेंगे, और उसके बाद हमारे को एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अनोदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। जैसे हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो और खुल जाएगी नए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अब हमें उस डेट को भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए वापस हम सिलेक्ट करने वाले जो हमारी सेकंड ब्रांच है वो है दिल्ली की, तो हम यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, और अब हमारा ये जो प्राइमरी एड्रेस है वो दिल्ली रहेगा, ठीक है, और रेगुलर, और उसके बाद में जो हमारा दिल्ली का जो जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, और सेम वो रजिस्ट्रेशन, अब दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर कौन सी जगह रजिस्ट्रेशन है तो वो आप वहाँ से डिटेल लिख सकते हो, भी आपकी जो इनवॉइस करनी है वो इनवॉइस कौन से पैलेस से होनी है, ये भी दिल्ली रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हमें और क्रिएट करनी है तो हम और क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में रहने वाला है बिहार का, और ये भी हमारा प्राइमरी एड्रेस बिहार का रहेगा रेगुलर, और यहाँ पर हमारा जो बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे, और जीएसटी नंबर अब बिहार में आपका कहाँ से है तो वो आप अपना डाटा यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो ये हमारी प्रक्रिया है जीएसटी ब्रांच की, जितने भी हमारे स्टेट के अंदर है उन सभी का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देने की। तो अब उसके बाद जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हमारे सामने कुछ हमें वाउचर नंबरिंग से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी करेगा, भी अगर आप जैसे मान लीजिए आपने एक ही कंपनी के अंदर आप सभी ब्रांचों की अकाउंटिंग लिखोगे, तो अब इसके अंदर आपको परचेज इनवॉइस है, सेल इनवॉइस, पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि जितने भी वाउचर है क्या आप उसको सेपरेट अलग अलग ब्रांच वाइज मेंटेन करना चाहते हो, या आप एक सिंगल सीरीज के साथ यानी कि कॉमन सीरीज के साथ यूज करना चाहते हो। जैसे हमने भी एक नंबर इनवॉइस आपका राजस्थान का हो गया, एक नंबर, दो नंबर आपने बिहार का काट दिया, तीन नंबर दिल्ली का काट दिया, इस तरीके से चलेगा। अदरवाइज आप चाहते हो भी जीएसटी के अकॉर्डिंग आपका ब्रांच वाइज इनवॉइस की जो सीरीज है वो अलग अलग रहे, जैसे राजस्थान का एक नंबर इनवॉइस है तो पंजाब का भी एक होना चाहिए, बिहार का भी आपका एक होना चाहिए, दिल्ली का भी एक होना चाहिए, तो अगर आप उसको अलग अलग रखना चाहते हो तो उसके लिए हमें इसकी सेटिंग है जो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे हम इस पर यस करेंगे तो हमें दिखा देगा लिस्ट ऑफ वाउचर में, जो कि हम जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं नॉर्मल वैसे जितने भी हमारे वाउचर्स होते हैं ये सारे के सारे वाउचर हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन अब हमने सभी कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डाल दिया है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो भी हमने जो लिखा है बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर और राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब उसके बाद में हम वाउचर पे चलते हैं, तो जैसे हम वाउचर पे जाएंगे अगर हम कोई परचेज या फिर सेल की एंट्री अगर हम करके देखते हैं, मान लीजिए हम परचेज वाउचर पे चलते हैं, तो परचेज में हम चलेंगे तो बाई डिफॉल्ट आप देखते हो यहाँ पर बिहार रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है, यानी कि अब इस कंडीशन के अंदर आपका जो स्टेट बिहार के अंदर जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच का अगर आपके पास कोई परचेज इनवॉइस है तो उसकी एंट्री अब यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो अभी मेरे को फिलहाल दिल्ली की ब्रांच की एंट्री करनी है तो यहाँ से हम F3 करके इसका मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप दिल्ली ला सकते हो। तो जैसे हम दिल्ली करेंगे तो आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का दिखाई देगा, तो इसी तरीके से आप यहाँ से कन्वर्ट भी हो सकते हो जिसने अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है, लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन तो होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात आएगी इनवॉइस मेंटेन करने की। अब इनवॉइस मेंटेन करेंगे तो मान लीजिए आपका जो सेल वाउचर के अंदर इनवॉइस नंबर 1 है, ठीक है, और हमारी इनवॉइसिंग कम कर रहे हैं बिहार रजिस्ट्रेशन की, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बिहार का रजिस्ट्रेशन 1 नंबर होगा, तो अब अगर आप जैसे हम एंट्री करेंगे तो अब जस्ट इसके बाद में 2 नंबर आ जाएगा। अब 2 नंबर, अब मान लीजिए यहाँ पर अगर बिहार का अगर आपको इनवॉइस इशू कर रहे हो तो 2 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं भी जैसे अगर हम यहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन चेंज करते हैं दिल्ली करते हैं तो दिल्ली के अंदर 1 नंबर ही दिखाना चाहिए, ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स 1 नंबर का हमें सीरीज तैयार करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सीरीज का मतलब क्या गया, प्रीफिक्स का नंबर क्या हो गया, भी हम चाहते हैं भी हमारा राजस्थान का नंबर है तो जो भी हम सेल का इनवॉइस इशू करते हैं तो उसके आगे
आरजे लिखा होना चाहिए, आरजे 001 इस तरीके से आना चाहिए। अगर हम बिहार का लिख रहे हैं तो बिहार का बीएच 001 इस तरीके से दिखना चाहिए। दिल्ली का सॉरी दिल्ली का तो दिल्ली का क्रम लिख रहे हैं तो डीएल इस तरीके आना चाहिए। बिहार का क्रम लिख रहे हैं तो बीएच 001, यानी कि ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कोड इसके साथ यूज होना चाहिए जब भी हम इनवॉइस इशू करें या कोई रिसिप्ट इशू करें या कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी इशू करें उन सभी के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए हमें वाउचर को एडिट करना पड़ेगा। तो वाउचर को एडिट करने के लिए हम एल्टर पर जाएंगे और एल्टर पर जाने के बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर जाने के बाद हम फिलहाल सेल एक बार सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन यहाँ पर एड किया गया है, डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन को हमें यस करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको यस करेंगे, ठीक है, अब यस करने के बाद हमें यहाँ पर उन सभी ब्रांचों की एक सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं क्रिएट सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज का नाम आप देख सकते हो, जैसा मेरा राजस्थान में है तो मैं देता हूँ मेरा राजस्थान की सेल। ठीक है, और उसके बाद में मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है, तो अगर आप 1, 2, 3 ऑटोमेटिक लाना चाहते हो तो हम इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअल लिखना चाहते हो तो मैनुअल भी लिख सकते हो। तो हम रखते हैं ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक रखने के बाद में नंबर जो आपका ऑप्शन है इसके अंदर रखना है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, और उसके बाद में इसको हम यस करेंगे। तो जैसे यस करेंगे तो हम यहाँ पर इसका प्रीफिक्स की डिटेल दे सकते हैं। तो हमारा 1 अप्रैल से नंबर है राजस्थान के लिए, तो आर ए जे आगे 01 नंबर है जो हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम एक और क्रिएट करेंगे दिल्ली के लिए, हमने लिख दिया दिल्ली सेल ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, इसको हम यस करेंगे। सेम वही प्रक्रिया 1 अप्रैल से, आप जो भी ईयर यूज करोगे उस हिसाब से आपको डेट है जो डालनी पड़ेगी। हमने कह दिया दिल्ली के लिए डीएल फिर नंबर आना चाहिए आगे, और इसी तरीके से हमने कर दिया बिहार का भी, बिहार सेल ऑटोमेटिक रिटेन और यस। सेम वही प्रक्रिया आगे की भी, और यहां पर हम लिखेंगे बीएच के आगे से सीरीज हमारी है जो स्टार्ट हो। तो ये हमने कंपनी क्रिएट कर दी। अब ये डिफॉल्ट आपका बाइट उस वक्त रहेगा जब आपने कोई सीरीज क्रिएट नहीं करी। तो आपने अगर अपनी मतलब स्टेट वाइज ब्रांच वाइज अगर आपने जो अपनी सीरीज है क्रिएट कर ली है तो अगर ये जो डिफॉल्ट है अब आप इसको रिमूव कर सकते हो, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अब हमारी ये ब्रांच वाइज डिटेल है जो शो करेगा। अब उसके बाद भी हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर बाई डिफॉल्ट हमारे कार्य, जैसे हमने इसको वापस किया इंटरप्रेस करेंगे। अब इंटरप्रेस करने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर पूछेगा डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर वो तीनों रजिस्ट्रेशन हमारे को दिखाई देगा। अब ये कह रहा है कि आप जब भी टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करो या कोई सेल इनवॉइस परचेज इनवॉइस पेमेंट रिसिप्ट कोई भी वाउचर की एंट्री करो तो आपके सामने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किसका दिखना चाहिए। ये अगर आपको लगता है कि हम स्टेट की ट्रांजैक्शन कम करते हैं लेकिन राजस्थान की ट्रांजैक्शन हमारी ज़्यादा रहती है, दिल्ली की ज़्यादा रहती है, जो भी आप सबसे ज़्यादा ब्रांच की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो उसको बाई डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये क्या करेगा, अल्फाबेटिक के अनुसार ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर कर दिया राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान उसके बाद में यहाँ पर ये पूछेगा भी यूज कॉमन वाउचर नंबरिंग, हमें कॉमन वाउचर नंबर यूज नहीं करनी है पर्टिकुलर, हमें सीरीज के अकॉर्डिंग वाउचर नंबर यूज करनी है। जैसे राजस्थान के लिए राजस्थान हमने यूज किया था, पंजाब दिल्ली के लिए डीएल यूज किया है, बिहार के लिए हमने बीएच यूज किया है, तो कॉमन यूज नहीं करना हमें, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन को हम यहाँ पर रखेंगे नो को, और इंटरप्रेस करते हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब इससे करने से क्या होगा, अब हम वापिस चलते हैं वाउचर पर, और जैसे हम वाउचर पे चले अब आप देखोगे हमारी जो अभी वाउचर नंबर की जो सीरीज 1 आ रही थी ना पहले बाई डिफॉल्ट, अब ये RAJ1 के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है। और हमने वाई डिफॉल्ट राजस्थान सेलेक्ट कर दिया, तो अभी ये हमें जब भी हम टेली सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर सेलेक्ट करेंगे तो ये राजस्थान ही दिखाई देगा। अब मान लीजिए हमने कोई स्टेट अगर ब्रांच हम चेंज करते हैं, दिल्ली चेंज करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली चेंज किया तो दिल्ली के लिए हमने जो यहाँ पर एक कोड फिक्स किया था डीएल का, तो अब आपका DL1 के साथ है जो डिटेल शो करेगा। और इसी तरीके से अगर हम एक बिहार का भी देखें तो ये हमारी बिहार के लिए, और बिहार के लिए हमने बीएच को सिलेक्ट किया था, तो अब इसका इनवॉइस अब BH1 के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम एक वाउचर की एंट्री है जो करके देखते हैं। सबसे पहले हम परचेज वाउचर एंट्री करते हैं, और परचेज वाउचर एंट्री हम राजस्थान रजिस्ट्रेशन से करते हैं,
बिल नंबर हम एक बार कोई भी टेम्परेरी रूप से डाल देते हैं, और राम ट्रेडर्स से हमने प्रोजेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने कोई ये एलसीडी परचेज कर ली 150, ठीक है, और 2000 रुपये की है, या हम क्वांटिटी यहाँ पर कम कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, और यहाँ पर अब ये हमारी जीएसटी 12% की परचेज है, और उसके बाद में हमने रूटीन की तरह सीजीएसटी का टैक्स और एसजीएसटी का टैक्स हमने यूज कर लिया, ठीक है, और ये हमारा वाउचर है जो सेव हो गया। तो यानी कि अब ये हमारा वाउचर सेल हो चुका। अब कहाँ से हमने परचेज करी है, ये राजस्थान से करी है। अब हम एक और हम करते हैं डीएल की, ठीक है, डीएल के लिए भी हम कोई भी एक बार वाउचर नंबर यूज कर लेते हैं, और उसके बाद में पार्टी का नेम हम एक और क्रिएट कर लेते हैं अभी दिल्ली ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है, और ये भी हमारा सेंट्री क्रेडिटर है, ठीक है। अब इसका जीएसटी नंबर हम एक बार छोड़ देते हैं, अब उसके बाद में मान लीजिए ये सेम ही प्रोडक्ट हमने से परचेज किया हुआ है, क्वांटिटी हमने 41 परचेज करी है, रेट हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, 12% की परचेज और सीजीएसटी। अब यहाँ पर देखोगे ना, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट है जो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अब ये कह रहा है भी अब आपकी जो इनवॉइस है वो बाहर की है, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अब दो कारण है। सबसे पहले तो एक तो दिल्ली का जो इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसका क्या करने वाले हैं, सॉरी स्टेट है इसका जो दिल्ली, अब उसके बाद में अब यहां पर ये पूछेगा भी आपने ये जो डाटा चेंज किया है कब से स्टार्ट किया है, इफेक्टिव डेट हमारे से पूछ रहा है भी आपने इसका स्टेट अभी गलती से हमारे से चेंज हो गया था ये, तो ये कब से हुआ है, पहले राजस्थान से अब दिल्ली हम कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल भी अब नए इस रिलीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अगर आप चेंजिंग करते हो स्टेट का, कोई जीएसटी नंबर का, किसी भी टाइप का एड्रेस का, तो ये आपसे इफेक्टिव डेट है जो जरूर पूछेगा भी आपको इफेक्टिव डेट आपसे नहीं कब से देनी है। और उसके बाद के अंदर आप ये कह रहे हैं भी आपका ये भी इफेक्टिव हमने 1 अप्रैल 22 से ही कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये सीजीएसटी टैक्स ऑटोमेटिक आ गया और एसजीएसटी टैक्स आ गया, क्योंकि हमें स्टेट वाइज इसका डेटा डाटा जो हमें तैयार करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करते हैं हम, इस वाउचर को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब ये आपको दिखा रहे हैं भी वाउचर नंबर सीरीज सेलेक्टेड इज ऑलरेडी यूजर जीएसटी राजस्थान, ठीक है ना। अब ये कह रहा है भी आपने ये जो वाउचर नंबर की जो सीरीज है, अब इसके अंदर हमने जीएसटी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन है, तो अब दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अब हमें इसका रजिस्ट्रेशन परचेज के लिए भी हमें अलग है जो करना पड़ेगा, तो इसके लिए वापस हमें परचेज का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने एक नंबर का जो इनवॉइस था वो राजस्थान की से डिटेल्स हमने हटाया था, तो अब हमें अगर दिल्ली से चला रहे हैं तो दिल्ली का हमें जो यहाँ पर सीरीज है वो अब भी सेल की तरह चेंज करना पड़ेगा। तो वापस हमें परचेज वाउचर पर हम चलते हैं, वाउचर टाइप पे चलते हैं, परचेज वाउचर, ठीक है ना। तो परचेज वाउचर के अंदर भी सेम ऑप्शन आपको ये मिलेंगे डिफाइन, इसको हम यस करेंगे, और यहां पर भी अब हमें सीरीज है जो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहां पर हम करते हैं डीएल परचेज, ऑटोमेटिक, उस हिसाब से हमारा ये जो जो भी डिटेल है ऑटोमेटिक, हम ऑटोमेटिक नहीं रखे, हम इसको रखने वाले हैं मैनुअल, ठीक है ना। अब उसके बाद में एक सीरीज और रहेगी हमारे पास, क्रिएट सीरीज बिहार की, यहाँ पर हम मैनुअल, ठीक है। अब ये हमारी सेल है जो सेट हो चुकी है सीरीज के अंदर। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वापिस हम जो हमारी बाई डिफॉल्ट है उसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, चलो वापिस ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में स्टार्टिंग में राजस्थान के लिए अब वापिस हम चलते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ से वापस रजिस्ट्रेशन किया दिल्ली का इनवॉइस के लिए, ठीक है, अब दिल्ली के लिए हमने डीएल परचेज किया था, ठीक है, मैनुअल नंबर। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका इनवॉइस नंबर के अंदर हम जो लिख रहे हैं, हमने लिख दिया अभी डीएल 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर भी हमने डीएल 1 2 3 लिख दिया, और उसके बाद में दिल्ली ट्रेडर से हमने परचेज कर रहे हैं, और क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल देते हैं, रेट चेंजिंग करते हैं कुछ भी, सी जी एस टी और एस जी एस टी, और इस वाउचर को भी हम यहाँ से
सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो अलग अलग स्टेट से इसकी परचेज कर ली। अब वापिस चलते हैं सेल पे। तो सेल के लिए सबसे हम चलेंगे राजस्थान की सेल करेंगे और हम एक के सेल करते हैं। एलसीडी क्वांटिटी वन, मान लीजिए हमने 2525 रुपये रख दिया। यहाँ पे हमारा जीएसटी का सेल लेजर और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स और एसजीटी टैक्स, इंटरप्रेस करते हमने सेल कर दिया। अब हम मान लीजिए हम एक दिल्ली की हम एक सेल और कर रहे हैं, तो डीएल नंबर वन आ गया। वापस यहाँ पर अगर हम केस की सेल करें, क्वांटिटी हम 5 कर देते हैं, रेट यहाँ पे थोड़ा भी चेंजिंग कर देते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हमने सेल कर दिया। तो इस तरीके से जो भी हमारा डाटा रहेगा, अब दो नंबर आ गया, अगर हम वापस बीआर रजिस्ट्रेशन करते हैं बीआर सेल का, तो अब यहाँ पर आप देखते हो BH1 ही आएगा। तो ये हमने जो सीरीज तैयार करी है, इससे हमारा बेनिफिट ये रहेगा भी हमारी जो सीरीज है वो गड़बड़ाएगी नहीं, वो बिल्कुल सिक्वेंस के अंदर हिसाब से चलेगी स्टेट वाइज के अकॉर्डिंग। तो अब हम वापस जीएसटी रिपोर्ट की अगर हम चलते हैं, डिस्प्ले पर हम जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे चलते हैं, जीएसटी R1 को देखेंगे। तो जीएसटी R1 को अगर जैसा भी हमारा पूरा पीरियड ओपन करेंगे, तो जीएसटी R1 को रिपोर्ट को हम जब पहली बार ओपन करेंगे ना, तो ये हमारा ऑल रजिस्ट्रेशन हमें दिखाएगा, यानी कि जितनी भी हमने ब्रांच के अंदर जो सेल करी भी है, सारा का सारा ये रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर आएगा। हम चाहते हैं भी हम ब्रांच वाइज देखना चाहते हैं, यानी कि राजस्थान का अलग, पंजाब दिल्ली का अलग, बिहार का अलग, तो हम राजस्थान को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये केवल हमें राजस्थान का दिखाएगा भी आपने राजस्थान में एक इनवॉइस है जो इशू किया हुआ है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमने बिहार रजिस्ट्रेशन करें, तो ये करें अभी बिहार के अंदर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी है। और इसी तरीके से अगर हम दिल्ली रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये करें अभी दिल्ली की भी आपने टोटल एक ही इनवॉइस आपने इशू किया हुआ है, तो ये उसकी अमाउंट है। अगर हम वहाँ पे टोटल करेंगे, तो यानी कि अगर टेली प्राइम इसमें रिलीज पे क्लिक कर देंगे, तो ये कह रहा है आपका टोटल 2 इनवॉइस है, ठीक है। और ये टोटल इनवॉइस की आपकी वैल्यू रहेगी और यहाँ पर ऑल रजिस्ट्रेशन है। और इसी तरीके से ये GSTR 3B के अंदर भी हमें अलग अलग सेपरेट दिखाएगा। फर्स्ट टाइम के अंदर में ऑल रजिस्ट्रेशन यानी कि सारा डाटा हमें क्लब करके दिखाएगा कंसोलिडेटेड सभी ब्रांच का, और अगर हम स्टेट वाइज देखना चाहें तो ये स्टेट वाइज भी, राजस्थान का आपको अलग, दिल्ली का अलग, बिहार का अलग। तो इसी तरीके से हमारा GSTR 2A का जो रिकंसलेशन है वो भी हमारा कंबाइन भी हो सकता है और ब्रांच वाइज भी हो सकता है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम GST की जो रिपोर्ट्स है वो हम कंसोलिडेटेड और ब्रांच वाइज अलग अलग किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई है। नया फीचर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।